Hey guys, Gaurav here. Welcome back to my channel. So, आज के वीडियो में मैं आपको इज़ा खान टॉम टूम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा जो आपको शायद ना पता हो या आप इस टॉम टूम के बारे में जानते भी ना हो। सो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप और हर जगह शेयर करें ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर काउंट है वो इंक्रीज़ हो। मैं इस चैनल पे इसी तरह के वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। दिल्ली की हिस्ट्री बहुत ही लंबी और चौड़ी है, जिसने ना जाने कितने अप्स एंड डाउन देखे। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, दिल्ली को 7 बार वीरान हुई और 8 बार दिल्ली को बसाया गया। और दिल्ली ने कई रियासतों को अपने सामने से होते हुए देखा, चाहे वो अफ़गान आए या उसके बाद जो तुर्क आए और उसके बाद में मुग़ल और लास्ट में शायद ब्रिटिशर्स। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली ने अपने सामने कितने सारी रियासतों को की अप्स एंड डाउन्स देखी। तो उसी में से उन्हीं रियासतों के बीच एक सुर वंश भी था। सूर वंश के किंग शेरशाह सूरी के एक दरबारी ईशा खान के मकबरे के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। सो ये जो आप मकबरा मेरे सामने देख रहे हैं, ईशा खान नियाजी का मकबरा है, ठीक है। और ये हुमायूं के मकबरा का जो कॉम्प्लेक्स है, उसी कॉम्प्लेक्स में ये स्टार्टिंग में जब आप एंट्री लेते हैं तब उसी का जो एंट्री है उसी में आपको ये मकबरा दिखेगा। और इस मकबरे को ईज़ा खान नियाजी का मकबरा भी बोला जाता है। और इसमें जो ईज़ा खान थे, ठीक है, वो शेरशाह सूरी के एक दरबारी थे, उनकी इसमें उसमें उनका मकबरा है इसमें। और जो ईज़ा खान के बारे में मैं कुछ आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। जो ईज़ा खान थे वो दिल्ली में ही पैदा हुए थे 1453 में। और ईज़ा खान वैसे मूल रूप से पश्तूनी थे और वो शेरशाह सूरी के साथ मिलकर उन्होंने मुग़लों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जंग लड़ी थी। और उससे प्रभावित जो उनकी जो वॉर टैक्टिक्स थी उससे प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में हाईएस्ट डेजिग्नेशन तक जगह दी। और जब शेरशाह सूरी की भी जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद भी जो शेरशाह सूरी के जो बेटे थे उन इस्लाम शाह सूरी, सो शेरशाह सूरी इस्लाम शाह सूरी के साथ भी मिलकर उन्होंने मुग़लों के ख़िलाफ़ बहुत जंग लड़ी। और जिससे शेरशाह सूरी के जो बेटे थे इस्लाम शाह सूरी वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपने दरबार में आमिर एक डेजिग्नेशन होती थी तो वो उस पद तक उन्हें पहुंचाया।
1548 में ईसा खान की डेथ हो गई थी, और जिस समय ईसा खान की डेथ हुई उस समय सूरी वंश का जो सूरी वंश था उसमें बहुत ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत था, इंटरनल रिवॉल्ट हुए और आपसी झगड़ों का फ़ायदा उठाकर मुगल्स ने, क्योंकि वो अंदर से बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, इसका फ़ायदा मुगल्स ने उठाया और उन्होंने पूरे जो सूरी वंशज था, शेर शाह सूरी का जो वंशज था उसे पूरा ही मुगलों ने पूरे उस वंश को ही ख़त्म कर दिया। और ये जो अभी आप मकबरा देख रहे हैं, कभी एक टाइम में इस मकबरे के अंदर पूरा एक पूरे गांव बसता था, और जो 20th century के जो अर्ली 20th century में यहाँ पर जो मुगल्स के कुछ जो वंशज थे जो बच गए थे वो यहाँ पर आके उन्होंने भी शरण ली थी। और 20th century में जो मकबरे के जो आसपास का ज़्यादातर हिस्सा है वो मिट्टी में दब चुका था, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर क्योंकि ये एक पूरा एक सदी तक ये पूरा जो आप एक पूरा पार्ट देख रहे हैं ये पूरा मिट्टी में दबा हुआ था, फिर टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पर इसमें खुदाई करी और 2011 में टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने खुदाई करके इस मकबरे का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसमें दोबारा इस मकबरे को लेकर आए। ये था कुछ इन्फॉर्मेशन, मैंने कोशिश करी कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ ईसा खान के बारे में। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी अपने इन्जॉय करा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।